आप देख रहे हैं उत्कृष्ट छपकराज युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन गुरु पूजन एवं मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं भामाशाह रमेश कुमार, महेश कुमार, संतोष कुमार जी, साइंटिस्ट रीतेश यूएसए, डायरेक्टर रितुल, राहुल एवं अर्चित बिलहरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शांति कंस्ट्रक्शंस, शांति निकेतन, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मकरोनिया एंड सागर, MP। अत्र मम सन्नीतो भववसा सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम छिपे संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपनी को भरमाया, प्यार नहीं पाया। अब विद्या सिंधु की झलकण से अब कलुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्या सागर महामिंद्र सर्वेशम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निरूपामि। क्रोधि अनल में जल जल कर अपना शरीर लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका, जीवन भरी से भुलाया है। चंदन सबसे शीतल का पानी शरण आपकी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ब्रह्म शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्या सागर महामिंद्र सर्वेशम भवातापनाशनाय दिव्य चंदनम निरूपामि। जड़ को ना मिले जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने ते ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जाए तब ज्ञान खिल जावे। ओम ब्रह्म शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्या सागर महामिंद्र सर्वेश अखंड अक्षयपद प्राप्त है अक्षतान निरूपामि। विषय भोग की मदिरा में मैं बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्ति करी जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ब्रह्म शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्या सागर महामंद्र सर्वेशम पुष्पम निरूपामि। ओम ब्रह्म शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्या सागर महामिंद्र सर्वेशम सुधारूप नाशनाय दिव्य नैवेद्यम निरूपामि। मैं लिखते रहा इजहाते रहा बस पछताना, यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्या सागर महामिंद्र सर्वेशम महामोहंधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है दिव्य दीपम निरूपामि। अशुभ कर शुभ कर्म सब पुतल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे नहीं, भक्ति भाव के साथ दोनों हाथ उठाती आनंद पूर्वक विद्या सागर महामिंद्र सर्वेशम दुष्ट अष्ट कर्म दना दिव्य धूपम निरूपामि। इतना भूखा कि खुद को ही भोगी बना डाला, साध्य और साधक का अंदर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना, पाना था जिसके द्वारा वर मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ब्रह्म शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्या सागर महामिंद्र सर्वेशम महामोक्ष प्राप्त है दिव्य फलम निरूपामि। जग की वैभव को पाने में ही अव्यस्त रहा, मैं हूँ स्वतंत्र क्या आदर्शा मेरा परिचय क्या नाता, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता। शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्या सागर महामिंद्र सर्वेशम अनर्ग पद प्राप्त है दिव्य अर्घम निरूपामि। की राग रे आई और बोले पास बिठा के कि मैं हूं ना,
चिता करता है, मेरी होती डरता है, करता है मेरी होती डरता है। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबके सारे दुख दर्द हरो अर्घ बैठने आया हूँ। ही तपोमूत ही आराधक ही योगी सर ही महासत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम नमो हरियाणा पूज्य पदाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामिंद्र सर्वेशाम अनर्घपत प्राप्त है जय माला पुनर्घम रोपामी स्वाहा। गुरु धरती की दीव कहाती तरसी परिहिति बनती छाती, गुरु भी ना मांगती जाती गुरु धरती की दीव कहाती, देख पीर पर आंखें गुरु की बस आती झरनों में, श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ मैं सिर गुरु की चरणों में। ओम ब्रह्म सदाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामनिंद्र अत्र अवतर संभूषितावाननम। जय हो जय हो जय हो। ओम ब्रह्म सद भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामनिंद्र तिष्ठाट स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ब्रह्म सदाचार्य भगवंत गुरुदेव समय सागर जी महामनिंद्र अत्र मम सन्नीतो भववस सन्निधिकरणम। जय हो। हरि पुष्पांजलिम छिपे नीर छीर सारा कुछ हट सदै हृदय दुनिया से, टिके न एक जगह दरिया से, बरस नवर्ष करुण वर्षाते गुरु धरती के देव कहते। नहीं पराया मैं भी तारा सुन दे अंजन तारा, तीर छीर सागर भर जारी दीता चरणन धारा। ओम ब्रह्म सदाष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामिंद्र सर्वेशाम जन्म जरा मृत्यु विनाश नय दिव्य जलम रूपामी। बड़ा सुगंधित मलिया सिंह वन में तीर गुदया क्षमा से नाते, गुरु धरती के देव कहते। खोजे भी सपनी ना मिलते अब गुण गुण देवा में, बड़ा सुगंधित मलयज चंदन लाया गुरु सेवा में। गुरुदेव श्री समय सागर जी महामिंद्र सर्वेशम भवाता विनाशन दिव्य चंदनम निरूपामी। साथ नाम बनी गगरिया माटी सुनते वास मुरलिया श्री गुरु चुनते, कर्म निदत्तिन का चिन्ह साते गुरु धरती के देव कहते। परिहित संपादन एक कार्य चर्चित गुरु त्रिभुवन में, साथ नाम अक्षत अनटूटी रखा गुरु चरण में। आचार्य भगवंत गुरुदेव जी समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशम अखंड अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान निरूपामी। पुष्प नमीर सुपारी जातली आया पूजन करने, मरहम बने भारली गुरु लगे घाव भर भरने। छूते पाव काम बन जाते पलक उठा अंधियार मिटाते, सगुन शुभ मुहूर्त में आते सुपारी जाते आया पूजन करने। ओम ब्रह्म सदाष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशम कामबाण भंसनाय दिव्य पुष्पम निरूपामी। छप्पन भोग थाल मनहारी तुम्हें भेटता स्वामी, दृढ़ निमित्त सम्यक दर्शन एक श्री गुरु अंतर्यामी। कर लेते विश्वास सभी पे प्रसन्न गुरु भार जर्मी पे, जाते ठगे न ठगने जाते गुरु धरती के देव कहते। जब अभिरामी शिव पुरगामी गुण अनंत आसामी, छप्पन भूख थाल मनहारी तुम्हें भेटता स्वामी। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशम क्षुदारुग ब्राशनाय दिव्य नैवेद्यम निरूपामी। पहरी ग्रत दीप जगाओ करू आरती तेरी, चरण शरण गुल भुला लगाओ हाँ भोकानन फेरी। यथा किसी की भी सुन लेते चल क्षेत्रों पर दृष्टि न देते, पत्थर बदले फल लौटाते गुरु धरती के देव कहते। पहले तुम विश्वासी तुम्ही हो आस आखरी मेरी, अस बहरी ग्रत दीप जलाओ करू आरती तेरी। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशम महामोहंधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है दिव्य दीपम निरूपामी। ठगनी में कांजे बैठा गगन छुवाते, वन कर छाई पवन गाते, चल आगे सुन लेते कांटे गुरु धरती के देव कहते। करो कि अब एक और लाओ ले दीक्षा जननी में,
सुरभी फूट रही कस्तूरी खेव अग्नि में। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशम दुष्टष्ट क्रम देना दिव्य धूपम निरूपामि। रित रित के मीठी पल लाया गुरु चरण निज से धागे सिर गुरु मन पारस से आंगन कुछ न कहे बस सहते जाते गुरु धरती के देव कहते पंचकोटि गुरु चांद तुम्हीं में अपलन ने चरण निरखता। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशम महामोक्ष प्राप्त अद्य फलम निरूपामि। पढ़ लो प्रभु की पैयारी नरक में जाने नहीं यारी। पढ़ लो प्रभु की पैयारी नरक में जाने नहीं यारी। पढ़ लो प्रभु की पैयारी नरक में जाने नहीं यारी। गुरु जी मिल गए प्रभु जी मिल गए पारसिदात। गुरु जी मिल गए प्रभु जी मिल गए पारसिदात। समय सागर जी ऐसे मिल गए जय हो गुरुवर। समय सागर जी ऐसे मिल गए तीनों लोक में नैया। पढ़ लो प्रभु के भैयारी नरक में जाने नहीं यारे। बढ़ लो प्रभु के भैयारी नरक में जाने नहीं यारी। जलगन भाग छत्रिश में पुष्प चरु दीप रूप फल लाया दुनिया तपती ग्रीष्म दुपहरिया गुरु कृपा तरु छाया। गुरु पर सर्व अमंगल हारी जगत एक गुरु मंगल कार। प्यार बिना व्यापार लुटाते गुरु धरती के देव कहाते। यही खेत गुरुदेव अभी तक कहा क्यों करती तुम्हें बुलाया। जल गंदाक्षत देव पुष्प चरु दीप धूप फल लाया। पढ़ लो प्रभु के भैयारी नरक में जाने नहीं यारे। पढ़ लो प्रभु के भैयारी नरक में जाने नहीं यारे। नमो आर्याणाम पूज्य पदाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशम अनर्क पद प्राप्त दिव्यर्घम निरूपामि। वंदने अनगिनती आंख तारी मां श्रीमती तुम्हें वंद है अनगिनती। ओम रूम नमो आर्याणाम पूज्य पदाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशम अनर्घ पद प्राप्त जयमाला पुनर्घम निरूपामि। श्री गुरु चरणों की रही जिससे सिर पर छाव संध्या पहली आ चली सौखी निराकुल गां। समर्पण करने का भाव बनाया पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित हो गया है। आशा परिवार बता रहे संजय जी ज्वेलर श्री सुमत प्रकाश जी देव जी कृपया बधाए और यहाँ साथ समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य जी करिए। एक मिनट के लिए आया तो जल्दी आई दिल्ली वाली चले क्या श्रोतागण हमारा सर्व मेरे में आ रही के व्यवस्थित विराजमान ऑडियो दे विराजमान होने के पश्चात के कर्तव्यों को सुने। अपने मनोयोग को अपने वचन योग को और अपने काय योग को स्थिर करके प्रवचन के इन वचनों को विशुद्धि के साथ सुनना प्रारंभ करें। हाथ जोड़े मंगलाचरण के साथ संक्षिप्त में दस पंद्रह मिनट के भीतर सारभूत आत्मकल्याणकारी वचनों को सुनेंगे और जीवन में उसको गुनने का प्रयास करेंगे।
बीच में कोई इधर उधर चलना उठना ये चेष्टा न करें। सुनना ही है तो बहुत मनोयोग से सुनना है। जिनेंद्र भगवान के वचन, उसका एक वाक्य भी सूत्र होता है, और कब किस समय कौन सा सूत्र आत्मा के लिए झकझोर दे, आत्मकल्याण करे, हम बता नहीं सकते। इसलिए मनोयोग न भटके, वचन योग स्थिर रहे, काय योग भी स्थिर रहे, तीनों योगों को स्थिर करके जब हम जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनते हैं तो आत्मकल्याणकारी सन्मार्ग हमारे लिए उपलब्ध होता है। मंगलाचरण के साथ 10-15 मिनट के इन वचनों को सुनेंगे। हाथ जोड़िए, उच्चारण करिए, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मनोयोग से ओम नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं। एषो पञ्च नमो यारो सौवपावपणासनो, मंगलानं च सव्येसिं, पढ़मं हवै मंगलं, पढ़मं हवै मंगलं। पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। नवोदय आचार्य परमेष्टि भगवन समय सागर महाराज की जय। निर्यापक श्रमण श्री योग सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण नियम सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आप सभी भव्यात्मा आत्मकल्याणकारी मंगलमय वचनों को सुनने हेतु मन बना करके यह निवेदन किया है, कि हे भगवान, हमारे लिए आत्मा का कल्याण किस तरह से हो सकता है। कल्याणकारी वचनों के माध्यम से आत्मकल्याण का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त करें। मैं संक्षिप्त में 15 मिनट के भीतर
आत्मकल्याणकारी विषयों के बारे में ही चर्चा करूंगा, जिसके द्वारा आप अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। आत्मा का कल्याण आत्मा ही कर सकता है, दूसरा हमारे लिए नहीं कर सकता, क्योंकि यह कल्याण का मार्ग है। बाहर में यदि निमित्त हमारे लिए अच्छे मिलते हैं तो हमारा कल्याण और अच्छी तरह से हो सकता है। निमित्त कमजोर होता है तो कल्याण का मार्ग भी अटकता अटकता कमजोरी का अनुभव करता हुआ मुश्किल से पार पड़ता है। प्रत्येक भव्य आत्मा अपना कल्याण चाहता है, लेकिन कल्याण के मजबूती के बाहरी साधन मिलना भी उसके लिए आवश्यक होता है। आवश्यकता की पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन जागृत होकर के सच्चे निमित्तों को हमें गवेषणा करना, वहाँ तक पहुँचना और यदि यथार्थ वह निमित्त उपलब्ध हो गया तो उसके प्रति सर्व समर्पण कर देना और अपने मन को निर्मल रख करके साधना में डूब जाना, यह परम आवश्यक होता है। श्रोता कल्याणार्थी वह कल्याण ही करना चाहता है तो कल्याण का मार्ग कल्याण का मार्ग बाहरी रूप से प्राप्त होना वैसे तो दुर्लभ से दुर्लभतम समय हुआ करता है, और वह समय उपलब्ध होने पर यदि कल्याण का मार्ग हमें उपलब्ध हो गया तो सारी की सारी जिम्मेदारी कल्याणार्थी को उठाकर ही चलना पड़ता है। आप अपनी जिम्मेदारी उठा करके चल रहे हैं तो बाहरी निमित्त तो अपने सहजता का कार्य करता है और आप भी अपने भीतर सहजता के मार्ग को सोच समझ करके सहजता से ही चलना प्रारंभ करते हैं। निमित्तों के वचन भी सहज होते हैं तो उतने ही सहज आत्मा को होना पड़ता है, यह अनिवार्य परिस्थिति होती है एक श्रोता के सामने और आत्मकल्याणार्थी के सामने। हम आपसे पूछते हैं, क्या आप इतने सहज हैं, वचन सहज हैं, लेकिन आप क्या इतने सहज हैं कि सहज वचनों को सहज ही ग्रहण कर सहजता के मार्ग पर चलकर सहज रूप से ही गंतव्य पर पहुंच जाएं? यदि हाँ तो बहुत जल्दी गंतव्य पर आप
पहुंच सकते हैं, यह भी एक रास्ता है। और सहजता में कोई कमी है तो सहजता को तो सर्वप्रथम बनाना पड़ेगा। मैं अपने आप को सहज कैसे बनाऊं? तो सहज होने के लिए सरल भी बनना पड़ता है, और सरल बनने के लिए वक्रता का अभाव अपेक्षित होता है, क्योंकि यह मार्ग अपना मार्ग है। जब सर्प अपने घर में पहुंचना चाहता है, दूसरे के घर में नहीं, जिस घर को देखा है, पहचाना है और देखा कि इसमें जाऊंगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा, पहचान लिया है, देख लिया है और वह कहता है मेरी सुरक्षा यहाँ है, तो वह चल करके आते समय वक्र चले बिना तो अपना घर पहुंच नहीं सकता। सर्प कभी भी आप देख लीजिए सीधा चल सकता है क्या? नहीं, ऐसा 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 करता हुआ जाना पड़ता है। सुरक्षा कहाँ है? जब तक वह अपने घर में नहीं पहुंचेगा, भीतर नहीं जाएगा, तब तक उसकी सुरक्षा ही नहीं है। बाहर कौन सुरक्षा करेगा? जो प्राणी संसार में रहता हुआ वक्र हुआ करता है, उसके जीवन में ही अनेकों कष्ट आया करते हैं, सही है? और सरल होता है, सहज होता है, गंभीर होता है, निर्मल होता है, विशुद्धि के साथ जी रहा होता है, तो वह सुरक्षा कवच बहुत बड़ा कवच होता है। वो संसार के किसी भी ऐसे वैसे निमित्तों से प्रभावित नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? प्रभावित नहीं हो सकता, अप्रभावी रह करके वह जिन कवचों को ऊपर ओढ़ के रखा है, उस भीतर की आत्मा की सुरक्षा को बाहरी कवच ऑटोमेटिक सुरक्षित रख रहे हैं। ऐसा साधक ही, ऐसे भव्य आत्मा ही अपनी रक्षा कर पाते हैं मोक्ष मार्ग में। यह मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन साधना करने वाले एक साधक को साधना ही लक्ष्य है और गंतव्य ही ध्येय है, तो उस साधक के लिए यह मार्ग चलना कोई कठिन बात नहीं है। चलना भी सहज है, साधना भी सहज है, सब कुछ सहज ही सहज होता है उस साधक के लिए। अधिक समय नहीं लेना है मुझे, आहार चर्या का भी सबका समय हो रहा है। संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूंगा, अपनी आत्मा को जितना बन सके उतना वक्रता से मुक्ति दिलाना। वक्र हमको कौन बनाता है? बाहर का कोई नहीं बनाता, बाहर के निमित्त से हम ही वक्र होते हैं। और वक्रता के चक्र में यदि सुरक्षा कवच के बिना हम रास्ता ही नहीं चल सकते, तो हम मंजिल तक पहुंचकर
हम मंजिल की अनुभूति कैसे कर सकेंगे, यह गंभीर विषय है। इन गंभीर विषयों को चिंतन में लाकर जो भव्यात्मा चल पड़ेगा वह निश्चित रूप से अपने आप को संसार के जाल से छुटा करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है और अल्प समय में बना सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम और भव बढ़ाना चाहते हैं और जरा भटकने में हमारे लिए यदि उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो जिसमें इंटरेस्ट आता है उसका इंटरेस्ट भी मिलता है। क्या बोला? जिसमें इंटरेस्ट होता है उसका इंटरेस्ट भी आता है, उसका भुगता भी हमें ही बनना पड़ता है। तो हम उसमें इंटरेस्ट लें जिस इंटरेस्ट के पश्चात हमारे लिए नुकसान है ही नहीं और फायदा ही फायदा अधिक है, लाभ ही लाभ अधिक है, उस कार्य को करने का लक्ष्य बनाएं और उसी दिशा में बढ़ते बढ़ते आत्मकल्याण के बारे में आप निश्चित रूप से सोचने का यदि प्रयास करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं, आप अल्प समय में परमात्मा बन सकते हैं। आप सभी भव्यात्मा अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का शॉर्टकट जो रास्ता है उसको अपनाएं। बहुत भ्रमण करने से कोई औचित्य नहीं है, जल्दी से जल्दी अपना निर्णय बदलें और अल्प समय में निर्वाण की उपलब्धि का चिंतन करें और सबका साथ सबका विकास हैं, सब चले, सब साथ दे और सबका विकास हो। जीवो और जीने दो का जो भगवंतों ने संदेश दिया है, इस संदेश में और ये नवीनतम जो संदेश चल रहा है देश में, सबका साथ सबका विकास, तो हम चाहते हैं चाहे जीवो और जीने दो के उस वचन को जो तीर्थंकर भगवंतों के थे, जीवो और जीने दो के संदेश को साथ ले लो या सबका साथ सबका विकास इसको साथ ले लो, कल्याण दोनों से निश्चित है। इसी भावना के साथ आप प्रयास करें, प्रयास करके अनुभूति करें, आप आत्मा परमात्मा बने। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की